इधर देखो, जैसे अभी आपने देखा होगा समकोण, हमने नाम लिया था ना, क्या नाम लिया था? समकोण। तो भैया कोणों के आधार पर समकोण त्रिभुज होता है और न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है। याद रखना, विषम कोण त्रिभुज नहीं होता है। हाँ नहीं, तो मैं समकोण बोल रहा हूँ तो आप विषम कोण भी जान जाओ। नहीं, विषम बाहु वाला होता है बस। समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, तो ये तीन प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ, अभी आगे हम और भी बात करेंगे, इसको लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आप कहोगे यार इससे जुड़ रहे बता दे रहे हो बिना लिखे पढ़े। हम उसके बारे में विस्तृत देखें, लेकिन उसके पहले आप इसे लिख लो जो भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। नहीं तो आप कहोगे लिखवाए नहीं, जल्दी लिख लो फटाफट। समबाहु त्रिभुज को इंग्लिश में इक्वालेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, वहीं विषम बाहु को स्केलेन ट्रायंगल एंड समद्विबाहु को आइसोसेलेस ट्रायंगल। उम्मीद करते हैं आप लिख लिए होंगे, क्योंकि काफ़ी समय हो गया, वीडियो को रोक लें, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, इसके बाद है कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। देखिए मित्रों, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार जो है वो वही तीन कोण हैं जो अभी तक आप पढ़े हो। हमने आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ा दिया था कि न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण, समकोण क्या होता है। अगर नहीं पढ़े हो तो अगली क्लास में अभी फिर मिलेगा आगे, वहाँ पे देख लेना। देखो मैं एक बार हल्का में परिचय बता देता हूँ न्यून कोण क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वो कोण जो 1 डिग्री से लेकर के और 89 डिग्री तक होता है, मतलब 1 से लेकर के 89 के बीच होता है, वो सभी न्यून कोण कहलाते हैं। मतलब 1 डिग्री का कोण भी न्यून कोण है, 2 का, 5 का, 10 का, 15, 18, 20, 25, 78, 82, 89 तक, 89 तक, ये न्यून कोण का यहाँ तक एरिया होता है। उसके बाद अगर हम बात करें अधिक कोण की, अधिक कोण का मतलब एब्ट्यूस एंगल, तो भैया ये अधिक कोण का कार्यक्रम जो शुरू होता है समकोण के बाद शुरू होता है। मतलब समकोण 90 का होता है, 91 से अधिक कोण शुरू होता है, और ये ख़त्म कहाँ तक होता है? 179 तक। कुछ लोग 180 अंश को भी अधिक कोण मान लेते हैं, वो गलत है। 180 अंश के कोण को ऋजु कोण बोलते हैं, या फिर इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा समझ में आता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट मतलब सीधा। तो 180 के एक कोण कम, मतलब 179 तक के कोण को अधिक कोण बोलते हैं। तो जितनी भी गिनती इन दोनों गिनती के बीच में आती है, 91 और 179, इनके बीच में जो भी आता है वो अधिक कोण कहलाता है। आपसे एक विनम्र निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पर डेमो के रूप में देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और pvrstudy.com विजिट करें, या फिर हमारा ऐप डाउनलोड करें, pvrstudy नाम है, और फिर आगे पढ़ते रहें जिससे आप कंप्लीट मैथ सीख पाएं। गारंटी लेते हैं यार, लाखों छात्रों के आत्मविश्वास और उम्मीदों के दम पर कि आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता फिर भी आएगा। उसके लिए लेकिन आप रेगुलर और एक सिस्टम से हमारी सारी क्लास को देखिए, ठीक। चलिए, अगला है समकोण। समकोण बचपन से ही पढ़ते आए हो, समकोण, समकोण मतलब 90 अंश, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। तो अभी तक तो हम बात कर रहे थे कोण की, लेकिन हमें यहाँ पर त्रिभुज भी उसमें जोड़ देना है। तो भैया बस वही बात है, न्यून कोण त्रिभुज की अगर बात करें तो न्यून कोण त्रिभुज वही होगा, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें क्या होगा, बहुत बड़ी बात है इसमें, न्यून कोण त्रिभुज में एक ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण न्यून कोण हो वो न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। देखो, एक ऐसा त्रिभुज जिसका सभी कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण का मतलब इसके सभी कोण 90 से कम होने चाहिए, 1 डिग्री से अधिक और 90 से क्या हो, कम होने चाहिए, वो क्या कहलाते हैं? न्यून कोण कहलाते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझो, ठीक है। चलिए मैं कुछ फिगर भी बना देता हूँ, इधर साइड में ध्यान देना दोस्तों। 90 अंश से कम होना चाहिए इसका सारा कोण, तभी वो न्यून कोण कहलाएगा। मतलब फिगर से समझो। दूसरा है अधिक कोण, इनका इंग्लिश भी लिख लो आप लोग, क्योंकि कुछ स्टूडेंट जो हिंदी राज्य से नहीं है उनको हिंदी में नहीं समझ में आता है। तो इसके सभी कोण क्या हो, न्यून कोण हो, कोई भी कोण 90 से अधिक ना हो। तो भैया इस तरह से अगर बनाओगे तो सारे कोण 90 से कम ही होंगे, कुछ भी होंगे, 60 होंगे, 45 होंगे, मतलब कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। तो 60, 40, ये कितना हो गया, 100, 105, 105 तो ये 75 बनेगा, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये मान लो 65, 125 हो गया, 125 मतलब 60 यानी 55 है ना, ये देखो हो गया टोटल कि नहीं, 125, 530, 50, 80, 180 हो गया। यानी सभी कोण जो हैं 0 और 90 के बीच के होने चाहिए, यानी 1 से लेकर 89 तक होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो तो वो न्यून कोण होगा, ये न्यून कोण आपके सामने है, ठीक। दूसरा बात करते हैं अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब इसका कोई भी एक कोण अधिक कोण होना चाहिए,
इसमें कोई भी एक कोण अधिक कोण होना चाहिए तो अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। जैसे अधिक कोण का मतलब कोई भी एक कोण जो है वो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, बाकी और कोण छोटे हो सकते हैं। यानी जैसे अगर मैं इधर बनाऊँ ऐसे, ध्यान से देखो आप लोग, ये 90 से बड़ा हो एक कोण बस, तो भैया ये कोण जो है ये लगभग 120 अंश होगा, कितना होगा जो भी होगा, लेकिन 90 से ज़्यादा है ना, और 179 से कम है, यानी कि 91 से 179 के बीच का कोई भी एक कोण हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, अधिक कोण कहलाएगा। बाकी ये कोण कितने का है इससे नहीं मतलब, इधर से नापोगे 45 का भी हो सकता है, इधर से करोगे कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसमें एक कोण हमें देखना है वो अधिक कोण हो जाए बस, सिर्फ एक कोण, बाकी और सब कितने कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं। समकोण से दुनिया परिचित है, समकोण बहुत ही अद्वितीय कोण है ये, जिस तरह से सूर्य और चंद्रमा एक हैं उस तरह से मैथ में समकोण भी एक ही है, अकेला है बेचारा। बाकी ये न्यून कोण और अधिक कोण तो ढेर सारे हैं, इनकी तो बड़ी लंबी टीम है, लेकिन समकोण अद्वितीय है। एक ऐसा कोण जिसका एक कोण 90 अंश होता है वो समकोण कहलाता है। इसकी विशेषता होती है वो आप ध्यान से सुन लो और लिख लो, किसी भी समकोण में या फिर किसी भी समकोण त्रिभुज में एक से अधिक समकोण नहीं बन सकते हैं। जैसे एक जंगल में एक से अधिक राजा नहीं रह सकता है, भारत देश में एक से अधिक राष्ट्रपति नहीं हो सकते हैं, है ना, उसी तरह से त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में एक से अधिक कोण 90 अंश के नहीं हो सकते हैं, नहीं तो वो समकोण नहीं कहलाएगा। ये देखो इधर, इसमें का एक कोण 90 अंश का होगा बस, बाकी और कितने का है इनसे नहीं मतलब, हाँ थोड़ा बहुत मतलब है लागे लगाए, वो कैसे, चूँकि तीनों का योगफल 180 अंश होता है, तो भैया ये 90 है इसका ये मतलब नहीं कि बाकी कितने का, चाहे जितने का लिख दो इसको, 128 का लिख दो, 140 का लिख दो, तब तो ये दुए हो जाएंगे 180 बराबर, तो फिर ये कहाँ चला जाएगा। मतलब बाकी जो बच रहा है, टोटल 180 का होता है त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल, उसमें से 90 निकल जाएगा, यानी कि हमारे पास बच रहा 90। अब ये जो दोनों कोण हैं इनका योगफल 90 होना चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो ना कम हो। यानी मान लो कि इनका हमने लिख लिया भैया चलो 35, तो ये 55 बस, ये वास्तविक कोण नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो कह दो 55 ऐसे बनता है, 35 ऐसे बनता है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जांपल, हाँ ऐसे हो सकता है। ठीक, तो इस तरह से आप सीख गए, समकोण भी सीख गए और अधिक कोण न्यून कोण सब सीख गए, है ना, यानी कि आपने त्रिभुज का प्रकार और त्रिभुज सीख लिया। ओके, अगर आप इस वीडियो को डेमो के रूप में YouTube पर देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगर आप PBR स्टडी ऐप में क्लास लेकर के देख रहे हैं तो भैया नोट्स बनाएं, अच्छे से पढ़ें, ईमानदारी से पढ़ें, अपना भी आगे बढ़ें और हमारा भी नाम करें। ठीक है, अपने दोस्तों को जरूर सजेस्ट करें, अगर आपको क्लासें पसंद आ रही हैं, आपको समझ में आ रही हैं, तो जिनको भी मैथ नहीं आता, मैथ सीखना है, उन्हें जरूर सजेशन करें कि भैया आप PBR स्टडी डाउनलोड करो, PBR स्टडी सब्सक्राइब करो और पढ़ो, निसंकोच पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, कभी भी पढ़ो, 24 घंटे में चाहे जब देखो, आपकी क्लास हर